नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड में वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इंडिया पर आके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। उससे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बताता हूँ। इंडियन एयरफोर्स में रैली निकली है दोस्तों, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल के लिए। चलिए दोस्तों मैं आपको सीधा वहीं ले चलता हूँ जहाँ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहीं ले चलता हूँ सीधा। ये लीजिए दोस्तों, ये है जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश। ये जो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो वैकेंसी निकली है ये एमपी स्टेट की है, तो मैं आपको बता देता हूँ सारी जानकारी इसके बारे में। ये देख लीजिए आप, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको पूरी जानकारी इसके बारे में। सबसे पहले है दोस्तों आयु सीमा, तो 13 जनवरी 1998 से लेकर 27 जून 2001 तक, इस टाइम के दरमियान जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ दोस्तों, ये भर्ती नहीं है, इसमें कोई फॉर्म नहीं भरना होगा हमें। इसलिए वहाँ पर जाकर एमपी में लाल परेड मैदान भोपाल में जाकर, भोपाल में होगी वैकेंसी, तो वहाँ पे आपको जाकर के टोकन लेना होगा। जो टोकन का समय है वो है सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट भी दे रखे हैं तो वो मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, आप विजिट करके देख लेंगे। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, दोस्तों इसमें है 10th+2 स्ट्रीम की है ये वैकेंसी, और कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा जिसमें होगा आपके अंग्रेजी और तर्क शक्ति तथा सामान्य जागरूकता, 45 मिनट इसमें आपको टाइम मिलेगा 81। आगे है दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी में और तर्क शक्ति में क्वालिफाई कर जाते हैं तो लिखित परीक्षा में सफल हुए प्रत्याशियों को अनुकूलता परीक्षा देनी होगी, उसमें आपको मिलेगा 30 मिनट का टाइम। फिजिकल फिटनेस टेस्ट दोस्तों, इसमें होगा आपके 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी, उसको आपको 7 मिनट में पूरा करना है। उसके बाद में दोस्तों फिजिकल में ही आपको 10 पुशअप, 10 सीटअप और 20 उठक बैठक निकालनी होगी। अगर आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके बाद में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो होगा। तो दोस्तों जान लेते हैं इस भर्ती में आपको जाने के लिए जो आपके दस्तावेज हैं वो क्या क्या होने चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले है दोस्तों 7 कलर फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। दूसरा है दोस्तों 2 व्हाइट कलर के लिफाफे होने चाहिए और उनकी साइज होनी चाहिए 26x12 सेंटीमीटर। 10वीं कक्षा की आपको मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र है दोनों का वो होना चाहिए। तीसरा है, अगला है, अगर आपने एनसीसी करी हुई है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, अगर नहीं करी हुई है तो छोड़िए। बाकी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र साथ में लेके जाना होगा और उन सभी की फोटोकॉपीज आपको साथ में रखनी है और खुद आपको खुद उस पर अटेस्टेड करने हैं। और दोस्तों जो भी होगा एग्ज़ाम में रबर पेंसिल या पेन वगैरह तो वो आपको खुद से ही लेके जाना है, साथ में ही लेके जाना है। और हाँ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और है इसमें, अगर कोई जो इंडियन एयरफोर्स में या आर्मी में कोई अगर लगे हुए हैं आपके फादर या ब्रदर या कोई भी आपके रिलेशन में, अगर आपके पास में रिलेशन है या किसी के जो फादर है या ब्रदर है अगर एक्सपायर हो गए हैं आर्मी में जॉब करते हुए, तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, आप लोग भी वैकेंसी देख सकते हैं। पर शर्त ये है कि आपको उन्हीं डिस्ट्रिक्स में से होना चाहिए, एमपी की ही जो डिस्ट्रिक्ट दे रखी है वहीं के आपको मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप देख पाएंगे।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो इसकी ऑफिशियल साइट है उसके बारे में बता देता हूँ। आप जाएंगे ब्राउज़र में और गूगल में सर्च करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस मध्य प्रदेश, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ये साइट खुल जाएगी, इस पे आपको सभी सूचना मिल जाएगी इस भर्ती के बारे में पूरी की पूरी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक कीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।